द अमेरिकन सिविल वॉर। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में कई तरीके के चेंजेस हम लोग देखते हैं, जिनमें दो मेजर डेवलपमेंट्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट कि यूएसए का वेस्ट की तरफ एक्सपेंशन होता है, और दूसरा कि वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो ये दो मेजर चेंजेस हम लोग 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में देखते हैं। अब आता है द बैकग्राउंड कि जो सिविल वॉर लड़ा गया उसका बैकग्राउंड क्या था। हम देखते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादातर शिपिंग सेंटर्स थे, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ज़्यादा थे, वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हो रहा था। और दूसरी तरफ सदर्न स्टेट्स के अंदर प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा थी, स्पेशली कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। ये कॉटन इंडस्ट्रीज से जो कॉटन शिफ्ट किए जाते थे वो इंग्लैंड में किए जाते थे, क्योंकि इंग्लैंड में उस वक्त तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और उसकी वजह से वहाँ पर कॉटन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती है, वैसे वैसे यूनाइटेड नेशन में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम का जन्म होता है। वो प्रॉब्लम है लेबर की डिमांड। जो प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और ज़्यादा डिमांड होने की वजह से वहाँ पर चीप लेबर की ज़्यादा डिमांड थी कि वहाँ पर सस्ते दामों पर उनको लेबर मिल सके। और ऐसी लेबर को प्रोवाइड करने के लिए, ऐसी लेबर को हासिल करने के लिए वहाँ पर स्लेवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता चला गया। ये स्लेव्स जो है वो अफ्रीका से आए हुए थे जो अमेरिका में रहते थे। यही स्लेवरी का जो इशू है अमेरिकन यूनियन में एक एक्सप्लॉइट बनकर हम लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि उसमें नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स दोनों के बीच में आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। 19th सेंचुरी के मिडल में स्लेवरी जो है ब्रिटिश एम्पायर में पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाती है। ये कहा जाता है कि स्लेवरी जो है एक तरीके से श्राप है, अभिशाप है, किसी भी व्यक्ति को स्लेव नहीं बनाना चाहिए, इसलिए ब्रिटिश एम्पायर में पूरी तरीके से स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाता है। यही प्रसेप्शंस जो है स्लेवरी का वो बाकी कंट्रीज़ में भी फैलता है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर एंटी स्लेवरी मूवमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रीज ज़्यादा थी, वहाँ पे मशीन से वर्क ज़्यादा होता था, तो वहाँ पर लेबर की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, इसलिए वो स्लेवरी को सपोर्ट नहीं करते थे। पर सदर्न स्टेट्स के अंदर स्लेव्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि उनको कॉटन और शुगर प्लांटेशंस में उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो सदर्न स्टेट्स में स्लेव्स जो है एक नेसेसिटी के तौर पर उभरते हैं, पर वहाँ पर जो स्लेव्स की कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी, बहुत ही ज़्यादा क्रूल थी। वहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता था, उनका रहन सहन बहुत बुरा किया जाता था, और यही रीज़न था कि नॉर्दर्न स्टेट्स जो है इनके अगेंस्ट जाता है कि स्लेव्स को, स्लेवरी सिस्टम को जो है हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस तरीके से नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट के बीच में एक तरीके का युद्ध शुरू हो जाता है। 1852 में हैरियट बीचर स्टो अब एक बुक पब्लिश करते हैं अंकल टॉम्स केबिन के नाम से। उस बुक के अंदर जो स्लेवरी के हॉरर पार्ट है, एक ड्रामी कहानी जो है वो दिखाई जाती है कि स्लेवरी कितनी ज़्यादा खतरनाक है और जो स्लेव्स की लाइफ है वो कितनी ज़्यादा दयनीय है। ये बुक का इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न स्टेट्स पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और वहाँ पर एंटी स्लेवरी कैंपेन शुरू हो जाता है। सदर्न स्टेट्स जो है ये धमकियाँ देता है कि अगर आपने ये एंटी स्लेवरी कैंपेन को बंद नहीं किया तो हम अपने आप को इस यूनियन से अलग कर लेंगे और अपनी एक अलग कॉन्फेडरेसी बना लेंगे। तो ये था पूरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सिविल वॉर बेसिकली होता क्या है। सिविल वॉर कहलाया जाता है गृह युद्ध, जब अपने ही घर में युद्ध हो जाए किन्हीं दो पार्ट्स के बीच में, उसको हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। तो आपने पूरे बैकग्राउंड से ये समझा कि नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट्स के बीच में जो आइडियोलॉजी को लेकर, स्लेवरी को लेकर जो टेंशन क्रिएट हो रही थी वो कहीं ना कहीं एक रीज़न बन जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर होता है। पर मेजर रीज़न ये नहीं था जिसकी वजह से सिविल वॉर होता है। मेजर रीज़न क्या था? मेजर रीज़न ये था कि जो धमकी दी जाती है सदर्न स्टेट्स की तरफ से कि हम अपने आप को अलग कर लेंगे अमेरिका से, यूनियन से, वो धमकी जो अलग दी जाती है जिससे कि वो अपने आप को अलग कर लेता है, उसकी वजह से सिविल वॉर होता है।
अब आता है आपके अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट थे। 1860 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं। ये वो टाइम था जब स्लेवरी का टॉपिक बहुत हाई लेवल पर था, बहुत पीक टाइम पे था, बहुत ज़्यादा उसका प्रॉब्लम जो है वो चल रही थी। पर लिंकन के जो व्यूज़ थे ऑन द स्लेवरी वो बिल्कुल क्लियर थे। वो स्लेवरी को एक अभिशाप मानते थे, वो स्लेवरी को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि स्लेवरी बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए वॉयलेंस है, डेमोक्रेसी ख़त्म करती है। जो ये बात की जाती है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, हर इंसान को हमें इक्वल क्रिएट करना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए, वो सारी आइडियोलॉजी को ख़त्म कर देती है अगर हम स्लेवरी को ज़िंदा रखते हैं। और इसीलिए जो ये वेस्ट की तरफ अपना एक्सपेंशन करते हैं वहाँ पर ये पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं कि यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। पर सदर्न स्टेट जो है वो बिल्कुल भी इस बात को राज़ी नहीं होता, और जो वो धमकियाँ दिया करता था कि मैं अलग हो जाऊँगा, वो एक्चुअल में अलग भी हो जाता है और अपनी एक नई यूनियन बना लेता है जिसका नाम होता है कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जेफरसन डेविस इस कॉन्फेडरेसी के नए प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। जब सदर्न स्टेट ये कदम उठा लेता है अपने आप को अलग करने का, तो लिंकन ये साफ़ कह देते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये जो यूनियन है इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई पार्ट इससे अलग नहीं हो सकता। और इसी वजह से वो युद्ध लड़ते हैं और सिविल वॉर होता है, और 1861 में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है जिससे कि सदर्न पार्ट को दोबारा से अपने यूनियन के अंदर मिलाया जा सके। इसी वजह से अब्राहम लिंकन को द ग्रेट इमेंसिपेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका द गेटिसबर्ग एड्रेस। गेटिसबर्ग एड्रेस 1863 में बहुत फेमस एड्रेस रहा है लिंकन का, जिसमें वो ये बोलते हैं कि स्लेवरी को किस तरीके से एबॉलिश्ड करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब बनाया गया था तभी ये बात कही गई थी कि इस देश के सभी लोग इक्वल हैं, इस देश के किसी भी लोग के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये जो हमारी धरती है यूनियन की, यूएसए जो है वो बेसिकली भगवान की निगाहों में हर इंसान जो है वो इक्वल होता है, और इसी टर्म को लेकर यूएसए में हर व्यक्ति जन्म लेता है। तो ये जो हमारी धारणा है कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये हम इस धरती से नहीं हटने देंगे। जो रूल्स होंगे वो सबके लिए इक्वल होंगे, और अगर स्लेव्स रहते हैं, अगर स्लेवरी सिस्टम रहता है, तो ये रूल्स हम इक्वली नहीं लोगों के सामने रख सकते, क्योंकि सबके पास इक्वल हक नहीं होंगे, और अगर इक्वल हक नहीं होंगे तो कहीं भी हम लोग रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक की बात नहीं कर सकते। ये उनका बहुत फेमस एड्रेस रहता है। तो अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 65 के बीच में लड़ा जाता है। ये हमारी हिस्ट्री में सबसे बिटर सिविल वॉर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 7 लाख लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं। सिविल वॉर जैसे कि मैंने बताया स्लेवरी के इशू पे नहीं लड़ा गया। अगर सदर्न पार्ट अपने आप को अलग नहीं करता, अगर वो अपनी अलग कॉन्फेडरेसी नहीं बनाता, तो शायद ये सिविल वॉर नहीं लड़ा जाता। एक आइडियोलॉजी के ऊपर मतभेद था कि स्लेवरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो मतभेद चलता रहता, उसके ऊपर बातचीत होती रहती। पर सदर्न स्टेट ने जो अपने आप को अलग होने का कदम उठाया, उसकी वजह से सिविल वॉर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि लिंकन के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने आप को इस यूनियन से अलग कर सके, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हमें कदम उठाने पड़ेंगे। सदर्न स्टेट्स जो है वो बहुत करेज के साथ लड़ता है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ लड़ता है। उसके पास बहुत ब्रिलियंट जनरल्स होते हैं जैसे रॉबर्ट ईली, स्टोनवॉल जैक्सन जैसे लीडर्स के अंडर में वो कई सारी युद्ध भी जीतता है, कई सारी विक्ट्रीज देखता है। पर अगर हम देखें नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट के बीच में, तो नॉर्दर्न पार्ट सदर्न पार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इतने अच्छे जनरल्स होने के बावजूद सदर्न पार्ट नॉर्दर्न पार्ट से हार जाता है। जनरल यूलिसिस ग्रांट अप्रैल 1865 में सरेंडर कर देते हैं, और उसी के साथ सिविल वॉर एंड हो जाता है। और ये पूरी दुनिया को दिख जाता है अमेरिका के साथ साथ कि ये जो यूनियन बना हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो यूनियन है, इस यूनियन को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई स्टेट अपने आप को इससे अलग होने की कोशिश नहीं कर सकता।
ये जो वॉर लड़ा गया सिविल वॉर, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सदर्न स्टेट को झेलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर गरीबी आ गई, वहाँ पर भुखमरी की कंडीशन आ गई। लिंकन ने ये प्लान कर लिया था कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है सिविल वॉर के बाद, ये जो डैमेजेस हुए हैं इन डैमेजेस को हम ठीक करेंगे। ये जो ज़ख़म मिले हैं सिविल वॉर के, स्पेशली सदर्न पार्ट में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसको भी हम लोग ठीक कर देंगे टाइम के साथ साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये विक्ट्री मिलती है यूनियन को, तब उसके 10 दिन के बाद ही ये जो ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हम कहते हैं अब्राहम लिंकन को, जिन्होंने एक्चुअल में अमेरिकन रिपब्लिक को जन्म दिया, उसके कुछ ही दिनों के बाद उनको गोली से मार दिया जाता है। जॉन विल्किस बूथ एक एक्टर होते हैं, वो उसका शो देख रहे होते हैं वॉशिंगटन थिएटर के अंदर, जहाँ पर उनको गोली से मार दिया जाता है। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है।